बरेली से बड़ी खबर, जहां पांच लोगों को हुआ कोरोना। एक ही परिवार के हैं पांचों लोग, पत्नी, माता पिता, भाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो 2 साल के बेटे में नहीं पाया गया कोरोना। तो नोएडा में काम करता था परिवार का सदस्य, नोएडा के सी स्क्वायर कंपनी में ये काम करता था, जिसको फिलहाल सीज कर दिया गया है। और अब बताया जा रहा है कि बरेली में एक ही परिवार के 5 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये वो शख्स है जो सी स्क्वायर कंपनी में काम करता था, और जब ये घर लौटा तो वहां परिवार को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। बताया जा रहा है कि जो 2 साल का बेटा है उसमें कोरोना नहीं पाया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भीम मनोहर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भीम, बरेली में 5 लोगों को हुआ कोरोना, एक ही परिवार के सभी सदस्य। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 5 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की बात निकल कर आई है। जिस तरीके से रिपोर्ट सुबह पहुंची, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, और इसमें पति पत्नी, भाई बहन और खुद जो दमकल कर्मचारी है वो खुद इसका पीड़ित निकला है। और इसके बाद से शहर में काफी हड़कंप है, लोगों में इस बात को लेकर काफी चिंता दिखाई गई। जी बिल्कुल भीम, बताया जा रहा है कि जो एक शख्स है वो नोएडा के सीस्पार कंपनी में काम करता था, और उसी की वजह से परिवार के अन्य लोगों को भी कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से जिस तरीके से इस शख्स को रखा गया था, इस स्वास्थ्यनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जैसे ही मामला ये जानकारी में आया और कोरोना पॉजिटिव निकला, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जो कर सकता था उसने किया, और अभी ये सभी लोग देख रेख में स्वास्थ्य विभाग के, और इन्हें एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। शुक्रिया भीम जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।